हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राकेश। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राकेश वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आप EDS में खुद का बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करें। EDS में आप खुद का बैकग्राउंड बना करके आप वीडियो एडिटिंग करते समय यूज में ले सकते हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड गणेश जी का बनाया हूँ, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह के बैकग्राउंड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मैंने सीक्वेंस 2 पे आपको बताएंगे, क्योंकि 1 पे इसको बना के मैंने रखा हूँ। आपको सीक्वेंस 2 पे काम करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वीडियो ट्रैक एडिट करना है, एडिट पर आना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं एडिट वीडियो ट्रैक 2, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक 1 है, इसको यहाँ पे आपको 3 कर देना है और फिर इंटर कर देना है। थोड़ा इसको नीचे तरफ खींच लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को वीडियो ट्रैक पे रखना है, ठीक है। इसको रखने के बाद आपको इस वाले इमेज को इसके ऊपर वाले ट्रैक पे ले आकर रखना है, और वहाँ तक आपको खींच कर रखना है जहाँ तक बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन में जाना है और लेआउटर पे डबल क्लिक करना है। इस इमेज को छोटा करना है और साइड में करना है, और यहाँ आ करके जो यहाँ चेक मार्क लगा है इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद आप देखेंगे कि जैसा आप इस इमेज को करना चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। साइड में रखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 3D का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रोटेट, तो देखिए यहाँ पे रोटेट है। रोटेट करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जो कि सबसे पहले वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, जब यहाँ मैं रोटेट कर रहा हूँ तो यह नीचे की ओर झुक रहा है। इतना झुकाने के बाद आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा और सेंटर में ले आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर बिन में आना है। बिन में आने के बाद आपको गणेश वाले इमेज को एक ट्रैक को छोड़ करके ऊपर वाले ट्रैक पर इसको रख देना है। रखने के बाद आप इन्फॉर्मेशन में आइए, इसके लेआउटर पर जाइए और गणेश के इमेज को साइड में करिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए और थोड़ा फिर से नीचे कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है कि जो ये चक्र वाला इमेज है इसको इस जो खाली ट्रैक है यहाँ पे ले आ करके रख देना है, और इसको भी खींच करके उतना ही बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद और इसके लेआउटर में आना है, इसको भी थोड़ा छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे रखते हैं, फिर ओके कर देते हैं। देखते हैं अभी यह अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, तो थोड़ा तो फिर से लेआउटर में जाते हैं
और इसको थोड़ा साइड में करते हैं, फिर से देखते हैं। अब देखते हैं कि थोड़ा ही इधर उधर करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या हमें ठीक समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, फिर से इसके लेआउटर में जाना है, इस चक्र वाले इमेज के लेआउटर में फिर से जाना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे रोटेट है, यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है। उसके बाद इसको सबसे लास्ट में ले जा कर के रख देना है। इससे और देखेंगे आप तो यहाँ पे रोटेट है, यहाँ पे आप रोटेट करेंगे इस इमेज को, उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप चला कर देखेंगे तो यह गणेश जी के पीछे चक्र के जैसा घूमने लगा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लगा है सबसे ऊपर, इसको भी लगा देते हैं। बिन में आते हैं और इस वाले इमेज को सबसे ऊपर वाले ट्रैक पर रखते हैं, इसको भी खींचकर उतना ही बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ चक्र के ऊपर यहाँ आ रहा है, इसके लेआउटर में जाना है और यहाँ पे अनचेक कर देना है और इसको थोड़ा कम कर देना है और साइड में कर देना है। ओके कर देना है। इतना करने के बाद आपका बैकग्राउंड ये तैयार हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेट आउट लगाना है F11 H264 पर, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे RKS स्टूडियो नाम डाल के एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी PNG बैकग्राउंड यूज किए गए हैं इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि आपका यह बैकग्राउंड एक्सपोर्ट हो गया, एक जगह आप रख लिए। तो अब आपको क्या करना है कि इस बैकग्राउंड को मैंने रखा था डेस्कटॉप पे RKS स्टूडियो, इसको बिन में ले आते हैं, उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद अब इस बैकग्राउंड को आप वीडियो एडिटिंग करते समय कैसे यूज करेंगे, तो चलिए मैं मान लीजिए एक वीडियो ले आता हूँ, इसके नीचे वाले ट्रैक पर रख देता हूँ, इसके ऑडियो को ऑफ कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट का क्लेम न आए। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर में आना है, GPO में आना है। GPO में आने के बाद आपको एडवांसड में आना है। एडवांसड में आने के बाद आपको सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर 2 है, इस इफेक्ट को ले आकर के इस साइड में आप रखेंगे। रखने के बाद जहाँ तक आपका बैकग्राउंड है, जितना बैकग्राउंड है वहाँ तक इस इफेक्ट को खींच
खींच देंगे। खींच देने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन में आना है और ट्रांसफार्मर 2 पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसफार्मर ए पे क्लिक करना है और यहाँ गैंग पर चेक मार्क कर देना है और इसको एक्स को आप जब घुमाएंगे तो ये वीडियो छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको साइड में करना है वीडियो को। अब इसको थोड़ा रोटेट करना है इस तरफ, ठीक है, और थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि इतना करने के बाद आपको ट्रांसफार्मर बी में आना है और यहाँ जेड पर और यहाँ जेड पे माउस के कर्सर को ले जाएंगे और इसको घुमाएंगे तो आपका वीडियो दिखने लगेगा और बैकग्राउंड छोटा होता जाएगा। तो वीडियो दिखने के बाद आपको गंग भी आना है, चेक मार्क कर देना है और इसको बैकग्राउंड को यहाँ से बड़ा कर देना है, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पिक्चर ए में आना है और बॉर्डर पे चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करते ही बैकग्राउंड आपका लग जाएगा। अगर बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ कोई भी आप कलर ले सकते हैं, मैं रेड ले ही ले लिया, ओके कर देते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं कौन सा बॉर्डर हमें लगाना है, तो मैंने ए बॉर्डर लगा लिया और ओके कर दिया। अब देखिए आप, आपका बैकग्राउंड बन के तैयार हुआ। उसके बाद अब हम चला के थोड़ा देखते हैं। तो झटके बैकग्राउंड आते ही झटका जैसा समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बिन में आना है और यहाँ पे माउस को रख करके राइट क्लिक करना है और आप यहाँ देखेंगे तो न्यू क्लिप है। यहाँ पे माउस को ले आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर मैट है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये जो सबसे पहले का वाला खाना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और वाइट कलर ले करके ओके कर देंगे, फिर से ओके कर देंगे, फिर इस कलर मैट को ले आ करके आपको यहाँ पे रख देना है। फिर एम कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे तो ये अगला वाला भाग इसका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे माउस ले आ करके यहाँ देखेंगे ये जो एरो का निशान है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो यहाँ पे मिक्स लिखा है इसको हाइड करना है और यहाँ पे माउस की सहायता से चेक मार्क करके इसको दोनों तरफ के भाग को नीचे कर देना है। उसके बाद अब देखते हैं, अब देखिए झटका देकर यहाँ वीडियो नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में भी इसको लगा देना है। ठीक है, तो फ्रेंड मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो यहाँ पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें।
शेयर करें।